इस वीडियो में आप देखोगे हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में। मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, किसके आधार पर भाई, किसके आधार पर, उसके न्यूट्रिशन के आधार पर, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। जो अपना खाना खुद बना लेते हैं ऑटोट्रॉफिक, जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हैं हेटरोट्रॉफिक। देखिए हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, डीज बैक्टीरिया, दोज बैक्टीरिया विच कैन नॉट synthesis their food and जो अपना खाना खुद बना नहीं सकते, and they depend to another animals या और another organisms for their food। वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते और अपने खुद नहीं बना सकते, बना ही नहीं सकते, और अपने खाने के लिए किसी दूसरे organism पर depend रहते हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफिक में दो तरह के हो जाएंगे, एक तो यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, एक हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं। यूजफुल बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे लिए फायदेमंद है, हमारा फायदा करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम यूजफुल बैक्टीरिया कहेंगे। यूजफुल बैक्टीरिया भाई, यूजफुल हमारा बैक्टीरिया क्या फायदा करेगा, हमारा फायदा बैक्टीरिया क्या करेगा, बात ये भी तो आती है। देखिए आपने देखा होगा दूध से दही जमा देते हैं, लैक्टोबैसिलस है दूध, अगर लैक्टोबैसिलस नहीं होगा तो भैया दूध से दही नहीं जमेगा, जब दूध से दही नहीं जमेगा तो हमें दही का आनंद नहीं मिलेगा। दावत वावत में होता है कि नहीं, दही बूरा, फिर दही बूरा छोड़ के दूध बूरा सुनोगे आप, तो ये दूध से दही बना रहा है लैक्टोबैसिलस, दूध से दही बना रहा है तो हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक, फायदेमंद है कि नहीं, ये बात अलग है कि हम दही के साथ में बहुत सारे बैक्टीरिया को अपने अंदर खा जाते हैं लेकिन वो हमें नुकसान नहीं करते, हमारे लिए फायदेमंद है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, यूजफुल बैक्टीरिया, जो हमारे लिए फायदेमंद बैक्टीरिया। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनसे हम एंटीबायोटिक बना लेते हैं, एंटीबायोटिक बनाने में काम आते हैं, तो यानी जिससे हमारी दवाएं बनती हैं, ये भी बैक्टीरिया हमारे क्या है, यूजफुल बैक्टीरिया। तो लिख सकते हैं सम बैक्टीरिया help in making antibiotics and some can convert milk into curd, दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं।
तो इस तरह की बैक्टीरिया जो होते हैं वो कौन से होते हैं? यूजफुल बैक्टीरिया। अब हम देखते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया। ये तो हमने बैक्टीरिया का फायदा दे दिया भाई, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे पशुओं को बीमार कर देते हैं, हमें भी बीमार कर देते हैं। कोलेरा हैजा हो गया, किससे हो गया? बीमार बैक्टीरिया से हो गया। तो ये कौन से हो जाएंगे? हार्मफुल बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया कॉज डिसीज इन एनिमल्स। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं एनिमल्स में बीमारी भी फैला देते हैं। तो ऐसे कौन सी बीमारी हैं? एग्जाम्पल कॉलेरा है, टिटनस है, सिट्रस कैंकर है, ईटीसी। अलग अलग तरह की बीमारी फैला देते हैं, जानलेवा बीमारी फैला देते हैं, जिससे वो एनिमल को मोक्ष की प्राप्ति दे देते हैं। तो ये हार्मफुल बैक्टीरिया है। अब आ जाता है बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, यानी कि बैक्टीरिया नया कैसे बनता है, नया बैक्टीरिया कैसे पैदा होता है। तो हमारी हेडिंग है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन कैसा होता है? नॉर्मली जो नॉर्मल कंडीशन होती है उनमें ये बैक्टीरिया है, ये ऐसी कंडीशन बनाएगा फिर उसके बाद ऐसी कंडीशन बनाएगा और इसके बाद ये दो बैक्टीरिया अलग अलग हो जाएंगे। तो ये ऐसी कंडीशन बन जाती है, यानी कि फिजन हो गया, एक बॉडी दो में टूट गई। तो नॉर्मल कंडीशन में बैक्टीरिया बाइनरी फिजन कहते हैं, बाइनरी फिजन प्रोसेस करते हैं, यानी कि बॉडी दो पार्ट में टूट जाती है और दोनों पार्ट नया ऑर्गेनिज्म की तरह काम करने लगते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फिजन। ज्यादा बढ़िया कह सकते हैं बाइनरी फिजन, फिजन भी सही है। यानी कि जब बॉडी ऑर्गेनिज्म की बॉडी टूट जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे? फिजन। इस प्रोसेस के द्वारा बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है। एक बैक्टीरिया था, दो छोटे छोटे बैक्टीरिया बन गए, फिर वो ग्रो करेंगे, फिर दो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाए, फिर ग्रो करते रहेंगे। तो इस तरह बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है नॉर्मल कंडीशंस। एन नॉर्मल कंडीशंस बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय फिजन। नॉर्मल कंडीशन में बैक्टीरिया फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन एडवर्स कंडीशन जब आती हैं, जब विषम परिस्थिति आती है, तो एक बैक्टीरिया ये है, दूसरा बैक्टीरिया ये है, ये पास पास आएंगे, ये बैक्टीरिया ये था और ये दोनों आपस में पास पास आए, इसने ये
ये इनका न्यूक्लियोड हो गया, जो ये मैं बनाता हूं बीच में उसका आप जीनोफोर कह लो न्यूक्लियोइड कह लो, क्योंकि इनका एक डीएनए होता है, तो कुछ डीएनए का पार्ट इससे इसमें आ जाएगा तो डीएनए का एक्सचेंज भी हो जाता है और ये फिर डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह एडवर्स कंडीशंस जब आती है, विषम परिस्थिति आती है, तो एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में चला जाता है और वो फिर नया ऑर्गेनिज्म बना देता है। तो ऐसी कंडीशंस में बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन हो रहा है विषम परिस्थितियों में। एन एडवर्स कंडीशंस बैक्टीरिया कैन एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल, जैसे हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होगा डीएनए, जी डीएनए को भी हम आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं। अब ये हो गया बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन। लेकिन ज्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो फिशन के द्वारा ही रिप्रोडक्शन करते हैं। अब एक थोड़ा सा अलग ग्रुप और आता है बैक्टीरिया में, जिसको हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा माइकोप्लाज्मा क्या है? ये ऐसे बैक्टीरिया का ग्रुप है जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म, उनका दूसरा नाम है पीपीएल। फुल फॉर्म लिखते हैं प्ल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ। माइकोप्लाज्मा को हम पीपीएलओ भी कहते हैं। ये हमारे इनकी फुल फॉर्म हो गई, ठीक है भाई। अब देखते हैं ये जो सेल वॉल इनके अंदर होती नहीं है, मैं जब आपको बैक्टीरिया के कैरेक्टर बता रहा था तो बैक्टीरिया में सेल वॉल जरूर होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होती नहीं। ये स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स हैं, बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म, दुनिया के सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म कौन है हमारे माइकोप्लाज्मा। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे यानी कि ऑक्सीजन के बिना भी सरवाइव करते हैं। They perform anaerobic respiration, बिना ऑक्सीजन के भी ये सर्वाइव करते हैं और ये बीमारी भी फैलाते हैं, पशुओं को इंसानों को बीमार भी कर देते हैं। They can cause disease, ये बीमारी भी फैलाते हैं। तो इस तरह के माइकोप्लाज्मा ये ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं।